हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट मसाला शेयर करने जा रही हूँ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा सो so लेट्स गेट स्टार्टेड चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन विंग्स ले लिया है आप चाहें तो बोन वाले चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे जायके के अकॉर्डिंग नमक नमक हमने वन टेबल स्पून लिया है और इसमें हम टू टेबल स्पून वेनेगर डालेंगे और एक पूरा साबुत लहसन ले लिया था उसकी कलियों को मैंने छील लिया इस तरीके से और एक कप पानी अब लहसन जो हमने लिया था उसका हम एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके का अब ये जो एक कप पानी हमने लिया था इस पेस्ट में हम डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी का हो जाए और ये हम चिकन में इस तरीके से शामिल कर देंगे इसे छान कर डालना है इस तरीके से छान कर डालना है अगर आपके पास साबुत लहसुन नहीं है तो उस सिनारी में आप दो टी इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं उसे एक कप पानी में मिक्स कर लीजिएगा और फिर इसमें शामिल कर दीजिएगा लहसुन का पानी चिकन में डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है तो आप इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत करिएगा अब हम इसमें नमक डाल देंगे और अब हम इसमें वेनेगर डाल देंगे अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो आप उस केस में इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट के बाद हमें इसका पानी जो है एक्सेस वो ड्रेन कर देना और इस तरीके का चिकन रहेगा आपका अब एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया और हम विंग्स को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे तेल जब बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें विंग्स को शामिल करेंगे और हमें हाई फ्लेम पर अपनी विंग्स को फ्राई कर लेना है बस इस पर एक कोट आ जाना चाहिए एक कलर आ जाना चाहिए इस तरीके का हमें चिकन को गलाना नहीं है हमें चिकन पर सिर्फ एक कोटिंग चाहिए इस तरीके से जब हम चिकन पर कोटिंग कर लेते हैं ना फ्राई करके तो इस पर मसाले की बहुत अच्छी कोट आती है तो आप इस स्टेप को भी स्किप मत करिएगा इस तरीके से बिल्कुल गर्म तेल में हाई फ्लेम पर हमें चिकन को फ्राई कर लेना है इस तरीके का जब चिकन दिखेगा तो फिर हम उसका तेल ड्रेन करके उसे निकाल लेंगे हमने सभी चिकन विंग्स को फ्राई कर लिया आप देख सकते हैं हमारी चिकन विंग्स फ्राई हो गई है अब आती है मसाला लगाने की बारी मसाला लगाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम दही दही में हम डालेंगे वन टेबल स्पून लेमन जूस लेमन जूस डालकर हम इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून क्रश्ड की हुई लाल मिर्च अब हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला चाट मसाला हमने इसमें डाला है वन टेबल स्पून टोटल हमने इसमें वन टेबल स्पून चाट मसाला डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी का पाउडर और इसमें हम डाल रहे हैं वन टी स्पून धनिया का पाउडर वन टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा हमने सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिया है अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं हमारी दही थोड़ी गाढ़ी है थिक है इसलिए हमारा बैटर बहुत ज़्यादा थिक बना है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे लगभग टू टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा बैटर थोड़ा सा थिन हो जाए अगर आपकी दही पतली है तो आपको पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है इस तरीके से देखिए हमारा बैटर रेडी है अब हम इसमें चिकन को इस तरीके से कोट कर लेंगे ताकि हर तरफ़ से चिकन अच्छे तरीके से कोट हो जाए देखिए हम एक एक करके चिकन को इस तरीके से कोट कर लेंगे इसी तरीके से हमने सारे चिकन विंग्स को कोट कर लिया इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में और फिर हम इसे स्टीम करेंगे मैंने पानी पतीले में गरम कर लिया उसके ऊपर इस तरीके का झरना रख दिया अब हम इसके ऊपर पेपर रखेंगे आप चाहें तो इसमें बटर पेपर रख सकते हैं मैंने प्लेन पेपर डाल दिया है इस तरीके से अब एक एक करके हम चिकन विंग्स इसके ऊपर रख देंगे ये मेरी अम्मी की रेसिपी है आप इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा और आपकी चिकन विंग्स बहुत ही अच्छी बनेगी और ये बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है बहुत ही सिंपल है बनाने में खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और अम्मी लोग की रेसिपी तो बहुत ही डिलीशियस होती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा ये देखिए अब जो मसाला लेफ़्ट ओवर था हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे लेफ़्ट ओवर सभी मसाले ताकि इसमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाए अब हम इस पर थोड़ा सा तिल स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से हमने इस पर तिल डाल दिया है सफ़ेद तिल सफ़ेद तिल डालने से इसका लुक बहुत ही बेहतरीन दिखता है तो आप ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे जैसा आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा और हम इसे ऊपर वापस से एक पेपर से कवर कर देंगे पेपर हमने इसलिए रखा है ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं इसलिए हमने पेपर का यूज़ किया अब हम इसे कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे 30 मिनट हो चुके हैं हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गया है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे पेपर हमने रिमूव कर दिया है मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बेहतरीन चिकन में से खुशबू आ रही थी बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस ये चिकन बना था आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टीम चिकन मसाला रोस्ट कैसा लगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी कभी मिस ना हो मैं आपको फिर से बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मिलूंगी देन टेक केयर बबाई एम थैंक यू फॉर वॉचिंग सदर कुकिंग स्टूडियो